प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी का हम सभी कर रहे हैं कीर्ति जी द्वारा कृत प्रणिपत्य वर्धम प्रश्नोत्तर रत्न मलिका वक्षे नाग नाम वंद्यम वीरम नमो हरिहंता ताणम नमो आयम नमो उणम नमो, नमो लोहे सब सा पंच परमेष्ठी भगवान की जय अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मकर मंत्र पढ़ लें तो इसमें जो हमारा विषय चल रहा था जो गाथा नंबर चल रही थी वो थी हमारी ग्यारह नंबर की गाथा है ना जिसमें से कि हमने ये देखा था कि जीवन क्या है तो रहित, मतलब कि किसी का नाम खराब होना है ना हम समाज में रहते हैं तो एक तरह से ये नीति वाक्य है राइट ऐसा नहीं है कि अः सभी का जीवन खराब जीवन सिर्फ उसी का अच्छा है जिसका दूषण रहित जीवन है है ना जो अच्छे कार्यों में लगा है तो दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है लेकिन यहाँ पर मेनली नीति वाक्य जो है बेस्ड ऑन सोसाइटी बनते हैं राइट सोसाइटी कह लीजिए समाज कह लीजिए संसार कह लीजिए उसके हिसाब से तो उन्होंने क्या बताया हमें कि दूषण रहित होना ही जो है जीवन है और फिर ये चर्चा चल रही थी कि जड़ता क्या है जड़ता मतलब मूर्खता क्या है है ना या वेस्टेज क्या है जड़ हो जाना जैसे जड़ बुद्धि कहते हैं ना कि जो हिल ही नहीं रहा है अपने क्रिएटिविटी ही नहीं है जिसके अंदर ठीक है ना तो वो क्या है चतुर होने पर भी अभ्यास नहीं करना तो ये भी हमने देख लिया था कौन जागृत है तो ये भी देखा था विवेकी जीव विवेकी मतलब किसे कहेंगे जिसको कि सही गलत की पहचान हो किस टाइम पर क्या बात करनी है क्या नहीं करनी किससे मिलना किससे नहीं मिलना तो हर चीज में अपना विवेक मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले सही तरीके से लॉजिक को लगा पाना जो है वो विवेक कहलाता है ठीक है तो विवेक क्या है कौन जागृत है वो क्या कहा विवेकी जीव जागृत मतलब अवेयर कौन सा है राइट अवेयर क्या है मतलब कि जिसको कि कुछ भी करना हो तो वो पहले थोड़ा सा सोच समझकर करेगा ठीक है ऐसे नहीं कि बस बिना सोचे समझे कर दिया ठीक है तो विवेकी जीव को जागृत कहा अब लास्ट जो टॉपिक रह गया था वो था निद्रा क्या है निद्रा कहने को तो हम सोचते हैं सोते हुए लोगों को निद्रा कहेंगे पहले क्या चीज ये जड़ता और ये विवेक और पहली पहले जागृत जीवन क्या है जड़ता क्या है और जागृत कौन है तीन क्वेश्चन आए थे और चौथा है निद्रा क्या है ठीक है तो निद्रा से हम सभी परिचित हैं निद्रा स्लीपिंग सिचुएशन है ना लेकिन यहाँ पर निद्रा से क्या कहा जो प्राणी मूड है मूर्ख है है ना जो आ, लोक मूर्ता देव मूर्ता होती है तो एक तरह से आ, एक तरह से विवेकी जन का उल्टा कह लीजिए अपोजिट है ना जैसे हरेक के सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं ना तो आ, उल्टा हो गया विवेकी जीव का तो मूढ़ता तो जो प्राणी मूड़ है वो एक तरह से सोया हुआ है ना जागृत है तो विवेकी क्या कहा था विवेकी जीव को जागृत कहा तो उसका उल्टा हो गया मूड़ को निद्रा या सोता हुआ कहा गया ठीक है तो उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मूड़ता क्या है राइट या सबसे बड़ी निद्रा क्या है तो क्या कहा प्राणी की मूर्ता और मूर्ता का मतलब अविवेकपूर्ण प्रवाह में बहते रहना ठीक है अपनी सोच समझ ना लगाना दूसरे ने करा तो हमें भी करना है ठीक है जिसे कहते हैं ना भेड़ चाल में चलना देखा देखी करना और बिना विचारे प्रवृत्ति करना है ना दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे ही मिलते हैं जो सिर्फ सब जा रहे हैं उस तरफ हमें भी जाना है पता ही नहीं कि क्यों जा रहे हैं राइट right? बहुत ही ऐसे मिलेंगे जो भीड़ से अलग चलने को भी हिम्मत करते हैं तो विवेकी जो होगा वो सोचेगा कि वाकई में मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कोई कारण है या नहीं है ना कोई मेरे को उससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा भले ही लोग जा भी रहे हो उसमें कुछ नुकसान नहीं है लेकिन फायदा भी नहीं है तो भी विवेकी वहां पर नहीं जाएगा है ना जहां उसका समय बर्बाद होता हो वहाँ वो नहीं जाएगा ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग भी मूर्ता पूर्ण बातों में आ जाते हैं मूर्ता वाली बातें जो हैं, उसमें पढ़े लिखे होना कोई बड़ी बात नहीं है मूर्ता में आ जाना मतलब जो इमोशंस में ज्यादा वर्क करते हैं ठीक है ना किसी ने कुछ कह दिया अरे ऐसे होता है वैसे कर लिया ठीक है तो पढ़े लिखे होना यहाँ पे मैटर नहीं करता तो ऐसे पढ़े लिखे लोग भी मूर्तापूर्ण बातों में आ जाते हैं और मूर्खता पूर्ण व्यवहार करते हैं तो आश्चर्य होता है और उनकी मूर्खता पर दया भी आती है ठीक अनेक प्रकार के अंधविश्वास अनेक प्रकार के देवी देवताओं के भय परंपरागत अंधानुकरण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बलि चढ़ाना आदि ऐसी मूर्ताएं हैं जिनसे भारत ही नहीं विश्व का कोई भी देश बचा नहीं है है ना अंधविश्वास बहुत जल्दी हो जाता है हल्का सा हम किसी पर विश्वास करते हैं और वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हो तो अपने को लगेगा ये ही सही है है ना जैसे किसी घर में लेट से कोई आला है आला वो जो एक एज लेज बना रहता है ना उसमें लेट से किसी ने कभी कोई दिया जला दिया है ना अब उस दिन बहुत अच्छा से व्यापार हो गया मतलब बहुत अच्छा काम धंधा रहा तो लोगों को क्या लगेगा अरे आज आले में दिया जलाएगा ना इसलिए काम अच्छा चल गया है ना अब डेली की डेली वो आले में दिया जलाया जाना लगेगा और ये एक फिर परंपरा चल जाएगी हर पर्सन जो भी उनके घर आएगा वो देखेगा अरे इनके घर दिया जलता है ना आले में इसलिए इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए तो एक रूढ़ी बन जाती है ठीक है ना तो इस तरीके से जो विश्वास बिना किसी लॉजिक के काम चलता है वो क्या है अंधविश्वास कहलाता है और उसी को यहाँ पर मूर्ता कहा है ठीक है ऐसे ही देवी देवताओं से भय करना अगर आपने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे या उनके बारे में तरह तरह की बातें सोच लेना है ना उनके बड़े चित्र विचित्र रूप सोच लेना जस्ट बिकॉज कि हमने मूवीज में देखा है ऐसा ठीक है ना? तो इस तरह से भी जो है वो भी मूडता में आता है जब रियलिटी पे ध्यान ना जाके सब डरते हैं तो हम भी डरते हैं उन्होंने अभी आपको कभी कुछ कहा क्या नहीं लेकिन फिर भी अपन डरते रहते हैं कि अरे नहीं वहां तो भी अंतर जाति के देव रहते हैं हम नहीं जाएंगे ठीक परंपरागत अंधानुकरण सबकी देखा देखी बस कर रहे हैं कारण क्या है नहीं मालूम है ना जैसे बिल्ली रास्ता काट गई ये भी क्या है पार्ट ऑफ अंधविश्वास किसी के लिए हो सकता है बिल्ली ने रास्ता काटा और उसका दिन अच्छा नहीं गया तो उसने कहा आज ना बिल्ली रास्ता काट गई थी इसलिए मेरा दिन ऐसा गया ठीक है अब लोगों ने उसे रूढ़ी बना दिया ठीक है ना तो इस तरह के जो अंधानुकरण होता है इवन जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी ऐसे कुछ काम करते हुए देखे जाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला दिया पानी चढ़ा दिया जल चढ़ा दिया है ना और भी बहुत सारी चीजें हैं वेरी लॉन्ग लिस्ट देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना ये भी क्या है मूर्ताएं देवता पहली बात तो उनको बलि से कोई मतलब नहीं रहता है ना बलि का क्या मतलब है उनके पास सब कुछ है फिर काहे की बलि चढ़ाना ये तो जिन्होंने चढ़वाई है उनका फायदा उसमें होता है क्योंकि जो चढ़ावा चढ़ावा है वो देवता तो कंज्यूम करते नहीं तो किन के पास जाएगा उन पंडितों के पास जाएगा है ना तो उन्होंने अपनी ये बनवा कर अपना फायदा निकाला होता है राइट और ये मूर्ताएं बन जाती है ठीक है तो इनसे भी हमें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो प्राणी जो इस तरह की मूर्ता करता है वह सोया हुआ है ऐसा कहा जाएगा ठीक है ना जिसे अपने सही गलत का ही पहचान ही नहीं है अभी कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं यहाँ पर जैसे कि भारत में भारत देश में किसी समय सड़कों पर भविष्य बताने वाले नंदी दिखाई देते थे जिनके मालिक उनसे भीड़ में खड़े लोगों के बारे में पूछताछ करके नंदी के संकेतों से भविष्यवाणी करते और पैसा कमाते थे ठीक है बस ऐसे एज्यूम कर लिया कि ये बाल नंदी नंदी मतलब नंदी बैल बैल का कई बार कई जगहों पर नंदी भी कहा जाता है क्योंकि शिवजी का बैल जो है उसको नंदी कहते हैं तो शिवजी के नाम पर उनको ठगा जाता है लोगों को ठगा जाता है कि ये बैल जो है ना ये शिव का अवतार है या कुछ भी कह लीजिए उनकी पावर इसमें है और फिर उसको ऐसे इशारे देखकर और ये से प्रिटेंड किया जाता है कि तो आपका फ्यूचर बता रहा है ये है ना तो इस तरह से पैसे कमाए उसके बाद गणेश जी के दूध पीने की अफवाह वो तो हम लोग के सामने की बात है और ऐसी अफवाहें चल गई थी कि हर मंदिर में चम्मचों से गणेश जी की जहां पर भी प्रतिमा जी थी उनको दूध पिलाया जा रहा था ठीक है ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं ठीक है तो बहुत टनों में लीटर्स में दूध बहुत ज्यादा दूध बहा था ठीक तो ऐसा भी हुआ तो वह भी क्या है जड़ बुद्धि है ठीक है ना कभी कभी किसी मंदिर में मौसम विशेष में कोई मूर्ति गीली हो जाती है मंदिर की दीवारें और फर्श गीले हो जाते हैं तो पढ़े लिखे धार्मिक लोग उसे चमत्कार बताकर अपनी और मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं क्योंकि तो सबको पता है चमत्कार को नमस्कार किया जाता है है ना तो उस चीज का फायदा उठाया जाता है ठीक है जहां नमस्कार होगा वहां पे लोगों की भीड़ आएगी भीड़ आएगी तो चढ़ावा बढ़ेगा तो इस वजह से भी बहुत सारे जगहों पर मंदिर और गुरु के नाम पर चमत्कार बताकर लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया जाता है ठीक है ना प्रतिष्ठा के लिए नाम के लिए आजकल मीडिया के माध्यम से यह काम आसान हो जाता है ऐसी तमाम मूर्ताएं समय समय पर प्रचलन में सुनाई पड़ती हैं और लोग मूर्ख बनते रहते हैं ऐसा केवल भारत में नहीं होता विश्व के कोने कोने में अपनी अपनी तरह के भ्रम फैले हैं जिन्हें विकसित देश कहते हैं उन देशों में भी टोने टोट के लोग करते रहते हैं और मानते भी हैं है ना तो ये जो ब्लैक मैजिक है वूडू डॉल्स वगैरह ये सब चीजें भी हर जगह हर देश में चलता है यू नो इवन अमेरिका जैसे देश में भी ये सब होता है ब्लैक मैजिक जैसा अभी हाल में ही एक फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है जिस समय ये बुक लिखी गई होगी उसकी बात है उसको लेकर दुनिया भर में एक पॉल नाम के ऑक्टोपस आठ पैरों वाला जलीय जलीय जंतु जो है ऑक्टोपस की चर्चा है जिसने वर्ल्ड कप के मैचों की सही सही भविष्यवाणी करके सबको चौंका दिया ऐसा माना जाता है कि वह ऑक्टोपस जिस टीम के बॉक्स पर बैठता है वही जीतती है और उसको क्या कहने लगे पॉल बाबा कहने लगे स्पेन के लोग जीत गए तो उसी को भगवान मान रहे हैं इधर जर्मनी के हार के कारण इस कदर जर्मनी में हार के कारण इस कदर गुस्सा है कि लोग उसे मार देना चाहते हैं है ना तो एक तरह से विश्वास कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि है इसकी वजह से हम जीते और इसकी वजह से हम हारे अपना पुरुषार्थ अपनी मेहनत सब छोड़ दिया ठीक है ना तो ये क्या सब क्या है एक तरह की जड़ता है मूर्खता है ऐसी अंधी विवेकहीन अवधारणाएं विकसित देशों में हैं और लोग अपने अपने वैज्ञानिक युग का एक शिक्षित सभ्य पुरुष होने का दंभ भी भरते हैं इसलिए दुनिया में मिथ्या भ्रम को मूर्ता आचार्यों ने कहा है इस मूर्ता से जो ऊपर उठता है वही समीचीन दृष्टि वाला कहलाता है ठीक है तो मूर्ता जो है अ अमोड दृष्टि एक जो है सम्यक दृष्टि का एक अंग माना जाता है तो इसमें कहीं पर भी मूर्ता को जगह नहीं दी गई है सम्यक दर्शन क्या है बेसिकली जो सत्य को जानता है मानता है ठीक है ना तो जो सत्य को जानता और मानता है उसमें कहीं पर भी मूर्ता को स्थान नहीं है उसे पता है कि देव कैसे हैं देव कौन है सच्चा शास्त्र कौन है गुरु कौन है फिर वो इन सब जो रूढ़ियां चलती हैं उनमें नहीं पड़ता ठीक है ना तो इसलिए कहा कि जो इन मूर्ता से ऊपर उठता है वही समीचीन दृष्टि को पा सकता है वह सम्यक दृष्टि भीड़ में बहने वाला नहीं होता अपितु अपने विवेक को जागृत रखकर ऐसे भ्रम से अपने आत्मा को बचाता है हर किसी को भगवान मानने का भ्रम हर किसी पुस्तक को धर्मशास्त्र समझने का भ्रम और हर किसी चमत्कारी या प्रभावक पुरुष को गुरु मानने का भ्रम ही मूढ़ता है ठीक है ना जिसकी सबसे ज्यादा पब्लिसिटी हो उसको हमने अपना गुरु बना लिया हो तो क्या हम बहुत अच्छे कहे जाएंगे हो सकता है हमारे निर्ग्रंथ साधु के पास चार लोग ही जाते हो है ना और जिसके पास बहुत सारा परिग्रह है जो बहुत सारे मंत्र तंत्र का में लगा है उसके पास बहुत भीड़ जाती हो उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि भीड़ से जो आ, भीड़ को देखकर अपनी मार्ग नहीं बनाता राइट जिसको कि सही गलत की पहचान है वही समीचीन दृष्टि समीचीन मतलब सही दृष्टि वाला कहा जाएगा ठीक है ना तो इसमें जो है रेवती रानी कोई उनका नाम आता है तो किसी जो थे, थे परीक्षा लेनी चाहिए चार बजे एक तो मिनट चार जी जी हाँ वो पच्चीस में तीर्थंकर का समोसरण बताया था ना हा, हाँ हाँ वही है ना जी तो उन रेवती रानी की जब परीक्षा ली तो उनको कह दिया एक छुल्लक जी ने उनकी टेस्टिंग ली हाँ उनके गुरु जी ने भेजा था छुल्लक जी के छुल्लक जी को और ये कहा था कि रेवती रानी को मेरा नमस्कार करना है ना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरु हैं और रेवती रानी को नमस्कार कर रहे हैं तो ऐसा क्या है उनमें खास है ना तो टेस्टिंग करनी चाहिए तो उनको कहा कि पच्चीसवें तीर्थंकर आए हैं उनका समोचरण लगा है सब जा रहे हैं आप भी चलो है ना तो रेवती रानी ने बोला नहीं तीर्थंकर चौबीस ही हैं चाहे अब कितने भी ऊपर आ जाए मुझे मालूम है है कि चौबीस ही होते हैं और मैं नहीं जाऊंगी ना तो उन्होंने भीड़ का अनुसरण नहीं करा ठीक है ना उस आत्मा के पास एक दिव्य शक्ति होती है और यही विवेक कहलाता है वही आत्मा जागृत कहलाता है तो इतना विवेक हमारे अंदर होना चाहिए अगर हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है क्योंकि जिस अः प्रज्ञा छैनी बोलते है ना एक वर्ड सुना होगा प्रज्ञा छैनी प्रज्ञा क्या है बेसिकली हमारे अंदर का ही एक आ, सही डिसीजन लेने का विश्वास उसको प्रज्ञा कहते हैं राइट right? तो हम उस प्रज्ञा से ही अपने शरीर और आत्मा को अलग अलग देख पाते हैं तो जो सम्यक दृष्टि है वो उसके पास प्रज्ञा भी होगी ठीक है वो दृष्टि विवेक वाली दृष्टि होगी ठीक है तो इसलिए हमें सोते नहीं रह जाना है हमें जागना है तो हमें जो सच है है उसकी खोज करनी ठीक है एटलीस्ट क्वेश्चन तो रेस करें कि सच है क्या ठीक है ना फिर जब धीरे धीरे निमित्त भी मिलेंगे और वैसा बात समझ में भी आएगी हाँ ये सही है ठीक है ना तो थोड़ा सा अपने आप को देखना पड़ेगा झुक कर के अपने अंदर हम किसी रूढ़ी को तो नहीं मान रहे हम जहां भीड़ चल रही है उसको बस भीड़ समझ के तो नहीं जा रहे हर चीज को समझ के सही क्या है तब हम डिसीजन लें तो हम जागृत कहलाएंगे ठीक है अब नेक्स्ट गाथा पर चलते हैं नलनी दलगत जलला तरलम कि मौवन केशस धर कर निकरा निका नुकारिणा सज्जना यहां पर क्या कह रहे हैं नलनी दल गत जल लव तरलम ठीक है नलनी दल होता है कमल के जो समूह हो गया है ना गत दल जल लव और तरलम तो कमल के पत्ते पर छोटी बूंद के समान क्षण भंगुर किम क्या है ठीक है जो तरलम कहा ना जो तरल है छोटी बूंदे है ना जल की छोटी बूंदे के समान क्षण भंगुर क्या है तो आंसर क्या मिला यौवन धन और आयु ये क्या है क्षण भंगुर है अपन किस दृष्टि से देखते हैं सेकंड्स में मिनट्स में अरे बहुत साल है अभी तो बहुत साल है लेकिन अगर हम अनंत काल की अपेक्षा देखें तो ये सौ वर्ष हमारे लिए क्षण भंगुर कहलाएंगे ठीक है ना तो उस अपेक्षा से कहा कि यौवन धन और आयु जो है क्षण भंगुर है क्षण भंगुर मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला जैसे एक तवा है गरम तवा है उसके ऊपर एक बूंद पानी डालते हैं तो एक सेकंड में छस करके आवाज आती है और वो पानी एक सेकंड के लिए भी दिखता नहीं तो वो क्या कहलाता है क्षण भंगुर अभी था अभी नहीं है ठीक है तो ऐसे ही तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन रेज किया कि कमल के पत्ते पर पड़ी छोटी बूंद के समान क्योंकि वो सुबह तक क्या होता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तो वो दिखती है थोड़ी देर में जैसे ही सूरज की गर्मी आती है और वो बूंद अब नहीं दिख रही होती ठीक है ना तो इसलिए उसको क्षण भंगुर कहा तो उसके लिए क्या कहा यौवन धन और आयु और क्या कहा शशधर कर निकरा नुकारिण शशधर शश मतलब चंद्रमा ठीक है ना धर उसकी किरणें उनके समूह का अनुकरण करने वाले के यानी कौन है चंद्रमा की किरणों के समूह का अनुकरण करने वाले कौन है मतलब कि चंद्रमा की किरणें जो सबको शांति दे है ना तो उनका अनुकरण ऐसा कार्य कौन कर सकता है जिससे कि सबको शांति मिले तो क्या कहा सज्जन पुरुष ठीक है सज्जन पुरुष ये कैसे हैं, जो चाहते हैं कि हम भी चंद्रमा की किरणों के समान सबको शांति दे ठीक, इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं कमल पत्र पर पड़ी बूंद सा क्षण भंगुर क्या चपल रहा यौवन धन और आयु जीव की जल उज्जवल निर्मल शांति प्रदाता जग में कौन जो सज्जन जन उनकी संगति शीतल दाई रहती मौन ठीक है तो सेम चीज बता रहे हैं यहाँ पर कमल पत्र पर पड़ी बूंद के समान क्षण भंगुर क्या है जवाब मिला यौवन धन और आयु जीव का जो यौवन धन और आयु है वो जल के बुदबुद के समान जल जैसे उसके बुलबुले के समान चपल है है यानी इतना चंचल है, अभी है और अभी नहीं ठीक चंद्र किरण सम उज्जवल चंद्रमा की किरणों के समान जो निर्मल शांति प्रदाता कौन है जग में तो क्या कहा सज्जन पुरुष उनकी संगति ही शीतलदायी रहती है ठीक है शीतलता प्रदान करने वाली होती है ठीक इसका विवेचन देखते हैं वैसे तो सबको काफी चीजों के बारे में जानकारी होगी है ना? फिर भी एक रिविजन हो जा रही है हमारी कि हमारे लिए क्या चीज किस नजर से देखना है ठीक है तो सबके पास यौवन हुआ धन है मनुष्य आयु है राइट लेकिन इसको किस नजर से देखना इसको हमेशा के लिए परमानेंट मानकर देखना या अपनी अवेयरनेस में कहीं ना कहीं इसको क्षण भंगुर मानना मोमेंटरेली है ना आज है और कल नहीं है है ना जैसे बुलबुला देखते देखते ही नष्ट हो जाता है और कमल पत्र पर पड़ी ओस की बूंद सूख जाती है उसी तरह यह यौवन आदि देखते देखते ही समाप्त हो जाते हैं ठीक है ना यौवन कुछ सालों का रहता है उसके बाद एकदम से अपन सब क्या एकदम बड़े बड़े से दिखने लगते हैं राइट धन है आज है कल नहीं लक्ष्मी चंचला से बोला जाता ना कि च बहुत चंचल होती है आज है कल नहीं किसने देखा राइट और आयु का किसको क्या भरोसा आज है कल नहीं राइट तो जल के बुलबुले के समान है जिसको किसी को नहीं पता कब फूट जाए ठीक है ना तो कितने ही लोग ऐसे देखने में आते हैं जो यौवन में भी बूढ़े दिखने लगते हैं शरीर में ऐसे रोग हो जाते हैं जो बुढ़ापे से भी ज्यादा कष्टदायी होते हैं इसी तरह कितने ही अमीर लोगों को उसी जन्म में भिखारी की स्थिति में देखा जाता है और गरीब व्यक्ति भी अमीर हो जाता है यह धन इसलिए विनश्वर स्वभाव वाला है विनश्वर स्वभाव मतलब आज है कल नहीं आयु का भरोसा कदापि नहीं दिखता कब कोई दुर्घटना घट जाए तो जीवन समाप्त हो जाए यह सब कुछ सभी को अपने आसपास हर रोज देखने में आता है फिर भी इनकी नश्वरता का भान नहीं होता ठीक है ना? तो एक तरह से ये शास्त्र जी पढ़ने से हमें रियलिटी का एक्सपीरियंस हो रहा है ठीक है ना वैसे नहीं सोचते थे लेकिन ये पढ़ने से हम फोर्सफुल मजबूर हो जाते हैं ये बात सोचने के लिए कि वाकई में जिसे हम हमेशा समझे बैठे हैं वो भी जाने वाला है है ना हम आपकी एज अगर देखी जाए तो मिड एज में हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी है ना ले देकर कितने वर्ष बचे होंगे बीस तीस साल ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम है ना तो उसके लिए अपन क्या क्या हाथ पैर मार लेंगे क्या नहीं कर लेंगे अब हमें थोड़ा सा चेतना होगा जो मनुष्य आयु जो मिली है उसमें करने लायक क्या है सार भूत क्या है है ना वो कर लेना चाहिए तो क्या बताया था सारभूत क्या है तत्व दृष्टि का रखना ठीक है सबके अंदर मेरे जैसा आत्मा है है ना ऐसी दृष्टि लाना ये क्या है जीवन का सार है सा, संसार का सार है ठीक है ना सबसे सार पूर्ण बात क्या है कि हम सबको तत्व दृष्टि से देखें ठीक है और यौवन आयु और धन को क्षण भंगुर मानते हुए अपना फोकस किस पे रखें इन्हीं तीन चीजों पे रहता है ना वैसे तो फोकस किसी भी तरह से मैं बच जाऊं है ना सबको मरने से डर लगता है पहले भी पढ़ा था अपन ने तो सबको मरने से डर लगता है तो हमें लगता है हम बच जाए कुछ भी करें खूब पैसा कमा लें हो सकता है अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लेंगे अच्छे से अच्छी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी सिस्टम लगा लेंगे है ना कुछ भी करके अपने को बचा लेंगे लेकिन कितना भी हम आ, अच्छा कर लें लेकिन आयु जितना लिखा के लाए हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना तो कितने लोगों को अपन ने देखा अपने सामने सामने जो पीछे अभी कोविड के टाइम में इतनी भयंकर मौतें हुई हैं राइट तो किसी का भी भरोसा नहीं था आयु का कोई भरोसा नहीं है ठीक है ना और धन से तो सभी लोग वाकिफ कि कभी होता है अचानक से बैठे बिठाए नुकसान आ जाता है बैठे बिठाए इससे अच्छा काम चलने लग जाता है रहे? तो इसलिए फोकस किस पर रखना अपनी सोल पर रखना उसको क्या चाहिए उसके लिए क्या कल्याणकारी ठीक है फिर क्या कहा कि जो सुख शीतलता चंद्रमा की किरणों से मिलता है वो देने वाला कौन है संसार में ऐसा सुख किससे मिलता है ऐसी शीतलता किससे मिलती है तो क्या कहा सज्जन पुरुषों से ठीक है सज्जन पुरुष सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा है ना सज्जन पुरुष किसे कहेंगे जो सोच समझकर बात को करता हो मित्रवत बिहेवियर करता हो है ना तो यहाँ पर क्या कहा पति पत्नी भाई भाई पिता पुत्र नौकर मालिक गुरु शिष्य मित्र मित्र ये कुछ ऐसे संयोग हैं जो सबके जीवन में होते हैं इन संबंधों में से कोई एक व्यक्ति यदि सज्जनता की परिधि से बाहर का व्यवहार करता है तो उसके साथ ही व्यक्ति को जो कष्ट होता है वह अकथनीय होता है है ना दो भाइयों का अगर साथ ना बने या पति पत्नी का साथ ना बने तो जीवन ऐसा लगता है जैसे नरक जैसा है ना और वो ही नहीं सिर्फ पिता पुत्र की आपस में ना बनती हो एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन बात नहीं करते नौकर मालिक की ना बनती हो तो मालिक का काम नहीं चलेगा राइट गुरु शिष्य की आपस में ना बनती हो या मित्र मित्र की ना बनती हो राइट ऐसा कोई भी एक व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में है तो सामने वाले को बहुत कष्ट होता है ये कहा जा रहा है ठीक है तो चंद्रमा की चांदनी तो रात में ही शीतलता देती है किंतु सज्जन पुरुष दिन रात दूसरों के मन के ताप को हरण करता रहता है अगर कोई सत जन सज्जन कैसे बनता है सत्यन जन, जन मतलब लोग या पर्सन है ना और सत मतलब अच्छा तो अच्छा पुरुष अगर लाइफ में है पुरुष मतलब यहाँ पर मेल नहीं लीजिएगा कोई भी है ना पर्सन तो अगर अच्छा पर्सन लाइफ में है तो वो आपके मन के ताप को हरने वाला होगा हर समय चांद की शीतलता तो रात्रि में ही है सर्फ लेकिन सज्जन पुरुष जो है हर समय आपके मन के ताप को हरने वाला होगा सज्जन पुरुष का पुरुष का उठना बैठना बोल चाल सभी व्यवहार दूसरों के लिए सुखदाई होते हैं ठीक है थीके? तो उनको किसकी तरह से कंपेयर किया सज्जन पुरुष को चंद्रमा की चांदनी के समान चंद्रमा को जिस तरह लोग कितना ही बुरा कहें कलंकित कहें किंतु वह उसे बुरा कहने वाले को भी अपनी चांदनी से शीतलता पहुंचाता है उसी प्रकार सज्जन पुरुष का स्वभाव होता है वह किसी की बुराई नहीं करता और बुराई करने वाले को भी बुरा नहीं कहता वह बुराई करने वालों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करता है सज्जन पुरुष अपनी बुराई करने वाले दुर्जन पुरुष को भी की भी प्रशंसा करता है इस व्यवहार से वह अपने शत्रु को भी मित्र बना लेता है ठीक है ना सज्जन मतलब बहुत अच्छे बिहेवियर वाला सभी को समझ में आता होगा है ना जो ना सिर्फ हमारे साथ ही अच्छा हो सभी के साथ अच्छा हो ऐसा नहीं कि हमारे साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है लेकिन दूसरों से काम नहीं बन रहा है या कुछ हो गया तो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करे ऐसा नहीं जिसका बाय नेचर वो अच्छा हो ठीक है ना मतलब के लिए अच्छा हो ऐसा नहीं ठीक है सज्जन चंद्रमा की तरह उदित रहता है वह किसी से भेदभाव का व्यवहार नहीं करता इसी उदार गुण के कारण सज्जन को चंद्रमा की उपमा दी गई है ठीक? इसमें किसी को कोई हाँ, जी आपने जैसे हम जो सज्जन पुरुष की बात कर रहे हैं मोस्टली लेकिन जैसे अगर हम जैसे महाराज जी वगैरह की नहीं मतलब बाकी हम लोग जैसे हैं संसार में जो रहते हैं अः uh, हम लोग मतलब बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं पर हर एक में कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं है ना तो uh, जब हम क्लोज लोगों को देखते हैं तो उनमें कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और मोस्टली uh, uh, मतलब अच्छा व्यवहार भी होता है अच्छी बातें भी करते हैं लेकिन कुछ कुछ कमियां तो हर एक में हम हम सब में होती ही होती हैं तो uh, मतलब उस समय कैसे भाव करने चाहिए मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाव कैसे करने चाहिए मतलब उसका तो इफेक्ट भी होता ही है राइट right? uh, तो uh, मतलब ऐसे में कैसे विचार होने चाहिए क्या हमें बस उन चीजों को इग्नोर uh, कर देना चाहिए या हमें उनसे मतलब बात करना मेक uh, सेंस हाँ, के डेफिनेटली आप उनसे बात करिए क्योंकि सज्जनता यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डिग्री है है ना ऐसा नहीं है देखो चांद की चांदनी भी घटती बढ़ती है है ना तो ऐसे ही सज्जन पुरुष भी हर जगह एग्जैक्टली सेम हो ऐसा नहीं यहाँ पर मेन चीज क्या फोकस में रखनी है जो मन के ताप को हरे है ना दूसरे के तकलीफ को बढ़ाने वाला ना हो उसको कम करने की इंटेंशन हो जिसकी ठीक है अब हो सकता है उसकी इंटेंशन तो अच्छी है लेकिन उतना कर नहीं पा रहा है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि फिर उसे दुर्जन मानने लगे ठीक है ना तो इसलिए अपने को यह देखना है कि ठीक है उसकी हेल्प हो नहीं पा रही है लेकिन उसकी इंटेंशन अच्छी है वहां से हमें स्टार्टिंग करनी है जिसकी इंटेंशन भी अच्छी हो और जो कर भी पा रहा हो तो वो समझिए कि पूर्णिमा के चांद की तरह है ठीक है ना और जिसकी इंटेंशन अच्छी है लेकिन कर नहीं पा रहा है तो वो आप समझ सकते हैं कि दूज का चांद है तीज का चांद है ऐसा मान सकते हैं राइट right, हाँ ठीक है ना लेकिन फिर भी सज्जन तो कहलाएंगे ठीक है तो अपने को उनसे संगति रखनी चाहिए हुँ. और और उनकी छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर कर देना चाहिए डेफिनेटली क्योंकि सज्जन पुरुष का लाइफ में होना बड़ी बात है आज के टाइम में ऐसे लोगों को पास में होना सराउंड में होना जिनकी की इंटेंशन अच्छी हो ठीक है ना तो यस थैंक यू चैक आगे चलते हैं कोनर्कह परवशता किम सौख्यम सर्व संग विरतिरिया किम सत्यम भूत हितम किम प्रियः प्राणीनाम स्वह यहां पर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कि नरक क्या है ये नरक महाका नरक नहीं पूछ रहे हैं कि नरक जो तीन लोक का नरक है वो कैसा दिखता है ठीक है ये नीति वाक्य में नरक किसे कहा ठीक है तो क नरक कहा तो क्या कहा परवशता जहां भी पराधीनता है जहां भी तुम किसी के अधीन हो वहां पर वो एक नरक के समान है ठीक है ना हम सब ने भी कभी ना कभी इंडिपेंडेंस देखी है 1947 वाला भारत से हम जब देख सकते ना हमारे एंसेस्टर्स ने देखी होगी हमने नहीं देखी तो तो उन्होंने जो जीवन जिया एक तरह से वो नरक जैसा जीवन था आज भी अपन देख सकते हैं जो किसी के अधीन रहते हैं जैसे यहाँ पर होते ना, है ना बॉन्डेड लेबर होती उनका जीवन देखोगे ना तो ऐसा बिल्कुल वो मतलब रोते ही रहते हैं अंदर ही अंदर हर टाइम तो एक तरह से वो नरक जैसा जीवन है ना फिर पूछा सुख क्या है सौख्यम किम तो कहा सर्वसंगरती सर्वसंग विरति से मतलब जो सब प्रकार के परिग्रह से रहित है विरति है विरत मतलब रहित होना ठीक है वह सुख है जहां पर परिग्रह से रहित अवस्था हो वह सुख है सत्य क्या है तो क्या कहा प्राणियों का हित करना ही सत्य है अभी तक तो अपन क्या समझते आ रहे थे जैसा है वैसा बोलना सत्य है अभी क्या है नहीं प्राणियों का हित करना सत्य है इसकी एक्सप्लेनेशन अपन आगे पढ़ेंगे प्रिय वस्तु क्या है सबको प्रिय क्या है सबसे क्या कहा प्राणियों को अपने प्राण सबसे प्रिय है है ना अपन तो सोचे एकदम से सोचने बैठ जाएंगे प्रिय वस्तु किसी के लिए क्या होगी परिवार का कोई सदस्य हो गया घर में मकान हो गया पैसा हो गया है ना नहीं प्राणियों को अपने प्राण सबसे प्रिय है हिंदी अनुवाद नरक कष्ट सम पीड़ा कारक क्या है सुन लो परवशता सुख की क्या परिभाषा सुन लो सर्व परिग्रह मुक्ति कथा और रहा क्या सत्य यहाँ पर सर्व प्राणी का हित करना प्रिय क्या जग में सब जीवों को अपना जीवन प्राण बना ठीक है तो बहुत ही सिंपल सी चीज है इसको आगे विवेचन देख लेते हैं तो क्या कहा पराधीन रहना ही नरक है ठीक है ना अगर कोई आपसे पूछे नरक क्या है तो आप तीन लोग वाले नरक की परिभाषा नहीं देना पराधीन रहना ही नरक है जब देश पराधीन था तब जो कष्ट होते थे वह नारकीय यत्नों से कम नहीं थे है ना आज भी जो अभी जो वॉर चल रही है गाजा एंड इसराइल में तो वहां पर जो होस्टेजेस रखे हुए हैं आप उनको अगर देख लेंगे वो किसी नरक से कम नहीं है ठीक है ना तो पराधीनता शत्रु के अधीन हो जाना सबसे बड़ा नरक है है ना? कई राजाओं की क्रूरता ने प्रजा पर जो कहर बरसाई वह इतिहास में पढ़ने पर आज भी रोमांचित कर देती है रोमांचित का मतलब ये नहीं है कि खुश कर देती है मतलब घुसपम्प आ जाए इतना हिला देती है पराधीनता में विवश व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता पराधीनता और पराश्रितता में अंतर है ठीक है पराधीन पर के आधीन होना ठीक है और पराश्रित पर के आश्रित होना में डिफरेंस है जैसे अभी घर में एक हाउसवाइफ है है ना वो क्या है जो ब्रेड अर्नर है उसके आश्रित है राइट तो इसमें कोई तकलीफ का काम है क्या नहीं पराश्रित होने में कोई तकलीफ नहीं है बच्चे अपने पेरेंट्स के आश्रित होते हैं तो वहाँ कोई तकलीफ नहीं है है ना या पेरेंट्स बच्चों के आश्रित हैं कोई तकलीफ नहीं है लेकिन पराधीनता नरक है ठीक है ना पराश्रित तो संसार का प्रत्येक प्राणी है हम भी अगर सांस ले रहे हैं तो हम एक इंद्रिय जीव के आश्रित हो गए ठीक है ना हमारे को सा, सांस ना मिले हवा ना मिले तो हम मरने लगेंगे यही हुआ था ना कोविड के टाइम भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो लोग नहीं जी पा रहे थे वर्षा जी आपने हाथ रेज किया हाँ मैंने आ, मैं आप जो बोल रहे थे मैं सोच रही थी तो ये जो हम मोस्टली अमेरिका में जो हम लोग हैं सब मोस्टली लाइक नाइन्टी परसेंट पीपल आर ऑन जॉब्स तो वो भी एक तरह का पराधी नहीं हुआ राइट सो इज दैट आल्सो कंसीडर्ड इन दिस कैटेगरी उसी को बताएंगे पराश्रित है वो मालिक नौकर पर आश्रित होता है तो हम सब एक तरह से नौकरी करते हैं राइट तो नौकर है तो हम आधीन नहीं है वी आर एट द फ्री विल जिस दिन मन करेगा छोड़ सकते हैं ठीक है ना तो इसलिए okay. जो संबंध है वो पराश्रितता का संबंध है ओके okay, और एक और चीज मेरे दिमाग में हमेशा रही है थोड़ा सा डिविएशन टॉपिक mm -hmm. uh, कहते कि चौथे काल से फिर इंक्रीज होते जाते हैं सब तो कुछ राइट पांचवे काल तक तो एंड आर इन पांचवा काल तो ये सब जो हुआ ये तो और, मतलब इट वाज इन द हिस्ट्री राइट लाइक जो भी अवॉर्ड हुए जितने भी और जितनी भी लड़ाइया हुई एंड ऑल तो वो तो ऑलमोस्ट uh, चौथे काल के क्लोज पे ही थे बट हम लोग तो वे फार हैं हम लोग ऑलमोस्ट फिफ्थ आ, एरा में हैं mm -hmm. तो व्हाई इज ना जो आजादी suffering? नहीं मिली उस टाइम पे इतना लोगों ने सफर किया mm -hmm. पराधीन रहे तो वो उस टाइम पे तो अच्छा होना चाहिए था ना जब वो चौथे काल के क्लोज था तो हाँ नहीं ऐसा नहीं मानिए पंचम काल में भी ऐसा समय चलता है जब इन द पंचम काल अप एंड डाउन देखे जाते हैं ठीक है जब कोई बुरा शासक आ जाता है तो डाउन भी देखा जाता है कोई अच्छा शासक आएगा थोड़ा सा अप भी देखा जाएगा लेकिन अल्टीमेटली डिग्रेडेशन होता है दैट इज द पंचम काल नीचे नीचे की तरफ जाते जाएंगे ठीक है ना नीचे जाने में भी हम एक अप एंड डाउन की तरफ से जा सकते हैं ठीक है ना ओके जरूरी नहीं है कि एकदम लेवल में चलते जा रहे हैं डिग्रेडेशन तो हो रहा है लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम ऐसा आता है कि जो जैसे कोई देश बहुत उन्नति कर रहा है उस टाइम की जो जनता है वो बहुत इंजॉय कर रही है फिर कोई ऐसा शासक आ गया ऐसी सरकार आ गई जिसने बहुत दुख दिए जनता को है ना फिर वो देश से उन्नति करते करते रुक जाता है राइट right? hmm. तो इस तरह okay. की सिचुएशंस कंटिन्यू रहेंगी अभी की बात नहीं है आगे भी रहेंगी लेकिन अल्टीमेटली डिग्रेडेशन की तरफ डाउनवर्ड ही जाएगा ओके ओके थैंक यू सॉरी फॉर डिबेटिंग ठीक है तो यहाँ पर पराश्रित जो है प्रत्येक प्राणी है हर कोई किसी ना किसी के आश्रित है निराश्रित होकर इस संसार में जीवन किसी का नहीं चल सकता कितनी भी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों ना हो वह भी उपभोक्ताओं के आश्रित होता है उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर्स है ना कोई उसका सामान खरीदने वाला नहीं होगा तो वो बड़ी कंपनी भी क्या करेगी उसको लॉस हो जाएगा राइट तो वो किस पे आश्रित है कंज्यूमर्स पे आश्रित है उपभोक्ता भी अच्छी वस्तुओं का आश्रय लेते हैं उनका जीवन कैसे चले अच्छी चीजें अगर उनकी लाइफ में कंज्यूम करने को नहीं होंगी तो ठीक किसान मौसम पर आश्रित है नौकर मालिक पर आश्रित है अवसर के अवसर जो है वो अपने से बड़े वालों पर आश्रित है दुकानदार ग्राहक पर आश्रित है वक्ता श्रोता पर आश्रित है पुत्र पिता पर आश्रित है पत्नी पति पर आश्रित है परिवार समाज पर और एक दूसरे के आश्रित रहने से यह संबंध टिके हैं, ठीक है ना? अगर सब अपने अपने इंडिपेंडेंट हो जाए तो किसी से संबंध की जरूरत ही नहीं है ठीक है ना इन संबंधों में परस्पर आश्रितता है यह पराश्रितता पराधीनता नहीं है पराधीनता में क्या होता है अमानवीय व्यवहार इनह्यूमन बिहेवियर ठीक है ना अत्याचार ब्लैकमेलिंग बलात्कार जैसे कृत्य घटित होते हैं है ना उनको भूखा रख सकते हैं पानी नहीं देना या गर्मी में रखना कुछ भी हो सकता है राइट और ये पराधीनता सिर्फ मनुष्यों के साथ ही होती हो ऐसा नहीं जानवरों के साथ भी पराधीनता जब होती है तो एक नरक जैसा ही उन्हें जीवन जीना पड़ जाता है कहीं तो अपने जानवरों को बहुत अच्छे से रखते हैं सबकी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन जो नहीं ध्यान रखते अपने जानवरों का गर्मी में है तो पड़े हैं है ना पानी नहीं दे रहे या एक्स्ट्रा उनसे सामान उठवा रहे हैं नहीं उठाया जा रहा है फिर भी उठा रहे हैं वो वो भी क्या है पराधीनता का नरक है ठीक है ना पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाओं में रहकर जीवन गुजारना भी किसी को बंधन जैसा लगता है और कुछ लोग इसमें पराधीनता समझते हैं जब ऐसे लोग इन मर्यादाओं का उल्लंघन करके कारागार की सजा भुगतते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि उन मर्यादाओं की पराचितता यदि समझ कर स्वीकार कर लेते तो आज यह कारावास की पराधीनता नहीं भुगतनी पड़ती तो कारावास में रहना पराधीनता है और स्वच्छंद होकर ये मानना कि मुझे समाज की पराश्रितता नहीं चाहिए मुझे समाज के अधीन नहीं होना जबकि समाज के हम पराश्रित होते हैं नहीं हम सब समाज से ही चलते हैं है ना उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं रहता लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम समाज के अधीन हो गए अधीनता कह के उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए है ना तो समाज की जो मर्यादाएं बनाइया अगर हम उसका उल्लंघन करेंगे जिसको मनाया उसको मार दो है ना जिसका मनाया उसका उसका सामान छीन लो तो ये सब क्या है ये अल्टीमेटली फिर कारागार की सजा भुगतने पर मजबूर होना पड़ेगा फिर वहां पर जो बिहेवियर होगा वो पराधीनता का नरक जैसा है ना जेल में तो ऐसे ही बिहेवियर मिलेगा ना इन मर्यादाओं के बंधनों को तोड़ने से जो अपमान व्यक्ति को झेलना पड़ता है उसकी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ता है धन, स्त्री आदि का सुख भी इस दुख को मिटा नहीं पाता। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे यहां तक के कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अदर विल कंटिन्यू दिस रिमेनिंग टुमारो हाँ सरोजी आपने हाथ रेस किया म्यूट पर है Uh, सरोज जी आप म्यूट पर हैं आपका हाथ रेज है हम्म बोलो अभी हाइको की जो हुई थी प्रतियोगिता कंपटीशन हुआ था ना अभी आचार्य श्री के, के मैं। तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा नाम आ गया अरे सही है बहुत ही बढ़िया सिर्फ ये बताना था ओके ओके वेरी नाइस बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया बहुत अच्छा किया यस

चलिए जिनवाणी स्तुति जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हे ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन जो तेरा शरणा गहे सो पावे नौ प्रणन कर